मैं अमित सिंगल, यहाँ यमुना बेसिन में आते आते लगभग मुझे एक साल हुआ है और बहुत बढ़िया लगता है यहाँ आकर। खुली खुली जगह, प्राकृति की गोद में आकर यमुना मैया के दर्शन करके बहुत आनंद मुझे मिलता है यहाँ पर, और यहाँ आके मेरी एक्सरसाइज करने की क्षमता दोगुनी हो जाती है। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा यमुना मिशन वालों का, जिन्होंने मथुरा में इतनी बढ़िया जगह, इतनी प्राकृतिक जगह बनाई। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है उनके लिए, और मैं हर तरह सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। मेरा नाम प्रशांत बंसल है, मैं यहाँ करीब 1.5 साल से आ रहा हूँ, और यहाँ का मौसम और हवा बहुत ही लाभदायक है। यहाँ सुबह सुबह आके एक्सरसाइज करके बहुत मज़ा आता है, पूरा दिन भर जो है आराम से कटता है। और मैं यमुना मिशन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे ही हरियाली यहाँ बनाए रखें, और हमारे शहर के लिए एक बढ़िया जगह बना के रखी है इन लोगों ने, यमुना जी की कृपा से यमुना जी को और स्वच्छ बनाए। धन्यवाद। मेरा नाम आशीष अग्रवाल है, मुझे भी यहाँ पे आता तकरीबन 8-10 महीने हो गए, और यमुना मिशन पर आकर सुबह बहुत अच्छा महसूस करते हैं। मेरा नाम प्रिया बंसल है, मैं यहाँ 8-10 महीने से आ रही हूँ, मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है और मेरे शरीर को बहुत आराम मिलता है यहाँ आकर। मिशन के लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतनी अच्छी जगह बनाई है, हरियाली लगाई, ये बरकरार रहे। आज मैंने यहाँ पर वृक्षारोपण किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी अभिलाषा पूरी हो गई जो शायद मैं बरसों सोचता आ रहा था। और मैं उस व्यक्ति का धन्यवाद देना चाहूँगा, यहाँ उसने मेरी भूमि में इतने वृक्ष लगा दिए जो शायद पूरा मथुरा शहर मिलके ना लगा पाए, इतने वृक्ष आज मैं कुछ सालों में यहाँ देख रहा हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा ऐसे लोगों का, और जो प्रेरणादायक हैं सभी लोग वृक्ष लगाएं। आज हम चारों ने मिलकर वृक्ष लगाए हैं और पूरी केयर करेंगे आज हम उनकी। बस इसी के साथ मैं ये चाहूँगा कि सब लोग यमुना मिशन से जुड़ें, इसी से प्रकृति हरा भरा बनाएं, ऑक्सीजन पैदा करें, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। बाकी सारे काम एक तरफ और यमुना मिशन की सेवा एक तरफ। जय यमुना।